अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई और दोस्त सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक और न्यू डिज़ाइन लेकर आए हैं, जिसके ऊपर हमने जो हमारे सामने कपड़ा है उसके ऊपर हमने इस कपड़े का कंट्रास्ट करना है, जो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, और इस धागे से हमने इसके ऊपर जाली बनानी है। दोस्तों आपको आज हम आपको जालीदार डिज़ाइन बनाने का तरीका बताएँगे, जो जाली आप देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगा जो तरीका। ये दोस्तों हमारी फ्रंट पट्टी है, इसको हमने इस तरीके से हमने इसको थोड़ा त्रिशा इस तरीके से लकीर लेते हैं। फिर हम इस तरीके से हम यहाँ पर दो जाली बनाएंगे जी। दोस्तों इस तरीके से अब हमने इसको इस तरीके से अब हम इसको टच करेंगे थोड़ा त्रिशा जी। इस तरीके दोस्तों अब हमने इसको बांध डाली, अब हम थोड़ा वक्त से एक फिर बांध डाल लेते हैं। इस तरीके से बना दिए वक्फे में ये देखें दोस्तों, हमने जो डबल हमने इस तरीके से बांध डाल लिए हैं। बांध डालने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर जाली बनाएंगे, वो भी आप भाई सब कुछ तरीका बता देते हैं हम। और तो उसके बाद इसके बाद हमारे बैंग का पीस है, बैंग के पीस के ऊपर भी हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले बैंग रख लेते हैं इस तरीके से, फिर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे जी। इस तरीके दोस्तों आप निशान लगा लेंगे, उसके बाद दोनों साइड पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे जी। इससे के दोस्तों अब हम निशान लगा लेते हैं जी। देखिए हमने निशान लगा लिए हैं, अब हम इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जिस तरीके से हमने फ्रंट पट्टी के ऊपर निशान लगाए इस तरीके से हम बैंक के ऊपर लगाएंगे जी। इस तरीके दोस्तों अब हमने डबल डाल लेते हैं बन इस तरीके से जी। हम दोनों साइडों पर इसी तरीके से बना लेते हैं इसको, और इस तरीके से दोस्तों आप इसको बना लीजिए। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों और दोस्तों को जो हमारा तरीका पसंद आएगा और हमारा डिज़ाइन भी पसंद आएगा। और आप दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, इसलिए कि हमारे जितने भी न्यू से न्यू डिज़ाइन और बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन होगा वो आप भाइयों तक पहुँचता रहेगा। इसलिए बेल आइकन को भी लाजमी दबा लीजिएगा, इसलिए कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें जी। इस तरीके दोस्तों आपने इसको आप डांके को आपने बिल्कुल लूज़ कर लेना ऊपर डांके को जी। इस तरीके दोस्तों अब हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे जी। इस तरीके दोस्तों हम किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे जी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे नीचे गुंडी नज़र आ रही होगी आपको इस तरीके से जी। इसको इस तरीके हम खींचेंगे तो जहाँ पर जाली आपको नज़र आ जाएगी इस तरीके से, देखें आप नज़र आ रही होगी आपको जी। इस तरीके दोस्तों अपना जालीदार डिज़ाइन बना रहे हैं, जालीदार इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। और दूसरा हम दूसरी सिलाई लगाते हैं इस तरीके से जी। आप दूसरी सिलाई लगा लेते हैं, इसके बाद हम ये हमारी पटफन पट्टी का पीस मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम बैंड पीस के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। देखो दोस्तों हमें हमने डबल जाली बना ली है जी। देखिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से अब हम जब इसको प्रेस करेंगे जो बेहतरीन तरीके से बैठ जाएगी। अब ये हमारा बैन का पीस है जी। इस तरीके दोस्तों हम दोनों बैन के पीस के ऊपर भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे जी। दोनों पीसों पर हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ऊपर का टांका आपने बिल्कुल लूज़ कर लेना है, नीचे गुंडी नज़र आ रही होगी आपको कुंडी नज़र, इस तरीके से इसको बना लेंगे तो ये आप ऊपर से खींचेगा तो इसकी जाली बेहतरीन तरीके से बन जाएगी जी। इस तरीके दोस्तों जो हमने सिलाई मुकम्मल कर ली है, ये देखिए जो आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से आपने इसको खींचेंगे तो ये जाली इस तरीके से आप खींचेंगे तो जाली बन जाएगी। ये अब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से ये बैठ जाएगी दोस्तों। ये देखें ये देखें दोस्तों आपने जो इसको प्रेस कर लिया, ये देखें बेहतरीन तरीके से हमने इसको बढ़ा लिया है। अब हम ऊपर इसके पट्टी फ्रंट पट्टी को प्रेस कर लेते हैं जी। इससे दोस्तों आप इसको प्रेस कर लीजिएगा जी। देखें हमारी इस तरीके से फ्रंट पट्टी तैयार होगी। और दोस्तों इसके नीचे भी हमने डिज़ाइनिंग दार कपड़ा कंट्रास्ट कपड़ा लगाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। या हम इसको कपड़े को कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से
जी हम इस कपड़ों को इस तरीके से यहाँ पर त्रिशा लगाएंगे। जी हमारा बैंड का पीस है, बैंड के पीस को भी हम इसी तरीके से प्रेस कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको ऊपर प्रेस बैंड का पीस जमा देंगे। जी इस तरीके दोस्तों आपने अब इसको हम प्रेस कर लेते हैं। जी अब इसको हम कटिंग कर दें दोस्तों, साथ रखकर इसको कटिंग कर लेंगे। जी ये कपड़े दोस्तों कंट्रास्ट कपड़े का हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, एक पैर की इस दोनों साइडों पर हम इसी तरीके से लगा लेंगे। बैंड के ऊपर भी हम इस तरीके से लगाएंगे, फ्रंट पट्टी के ऊपर भी इस तरह लगा लेंगे। अब दोस्तों अब हम सिलाई लगाते हैं फ्रंट पट्टी के ऊपर, नीचे कपड़ा रख लेते हैं हम डिज़ाइनिंग वाला जो कंट्रास्ट लगाया हमने। जी इस तरीके से आप लगा लें सिलाई। जी इस तरीके दोस्तों जो हमारा इस जो नीचे आगे ठोकर नज़र आ रहा है इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा बैंड का पीस है, बैंड के पीस के ऊपर भी हम इसी नीचे इसी तरीके से कपड़ा रख लेते हैं। जी इस तरीके से दोस्तों अब हमने सिलाई लगा लेते हैं एक पैर की, दूसरी तरीके दूसरे बैंड की नोक पर भी इसी तरीके से हम कपड़ा लगा लेंगे। जी ये देख दोस्तों हमारा इस तरीके से जो तैयार हो जाएगा डिज़ाइन। अब हम इसको दोस्तों प्रेस कर लेते हैं, इसको मुकम्मल कर लेते हैं। जी इसे दोस्तों अब हम इसको मुकम्मल करेंगे। जी इस तरीके से अब हम प्रेस करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से बैठा लेते हैं कपड़े को। जी दोस्तों अब इसको हम प्रेस करेंगे, बैंड के पीस को भी हम इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको प्रेस कर देंगे। जी इस तरीके दोस्तों आपने आप दोनों साइड दूसरा बैंड इसके ऊपर प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद हम फोल्ड कर लीजिएगा। दोस्तों जी देखें हमारी फ्रंट पट्टी भी तैयार हो चुकी है, हमारा बैंड का पीस भी मुकम्मल हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ सब भाइयों और दोस्तों को जो हमारा तरीका पसंद आया। और दोस्तों आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। और अभी तक आप दोस्तों आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।